अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज ब्रिज कोर्स का 19वां दिन है। सातवीं जमात में उर्दू सब्जेक्ट के लिए आज हम लोग देखेंगे समझना, बोलना और लिखना। क्योंकि हमारा ब्रिज कोर्स का मकसद ही है कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उभारना, बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं और उनके क्या तसव्वुरात हैं उसको बाहर लाना। और तमाम बच्चे इस चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, आज 19वें दिन में हम लोग देखेंगे इक्तिबास। इक्तिबास का मतलब होता है पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ की सूरत में कोई कहानी, कोई किस्सा लिखा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से समझना, फिर उसको बोलना, फिर उस पर से चंद सवालों के जवाब को लिखना। असल आज की जो सरगर्मी है यही है। अब बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक छोटा सा पैराग्राफ, एक इक्तिबास पढ़ूंगा और उस इक्तिबास में जो नए लफ्ज हैं, वैसे तो नए नहीं है, सब आसान ही है, यहाँ बोर्ड पर मैं लिखा हुआ हूँ। बच्चों, अब आप लोग बहुत गौर से सुनेंगे, मैं जो इक्तिबास पढ़ूंगा इसका मैं एक स्क्रीनशॉट, एक इमेज भी ग्रुप पर सेंड करूंगा। बच्चों, यहाँ पर वो इक्तिबास लिखा हुआ है, अगर आप लोग एक नजर देखना चाहो तो देख लो। अब मैं इस इक्तिबास को पढ़ूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, जितना ध्यान से सुनोगे उतना सही आप लोग बोल सकोगे, फिर उसी के मुताबिक आप लोग अपने तौर से जवाब लिख सकोगे। मैं जो इक्तिबास पढ़ूंगा इसी पर से मैंने आज का गूगल फॉर्म भी तैयार किया है खाना पूरी का। अगर सही से आप लोग इक्तिबास देखेंगे, पढ़ेंगे तो सही जवाब का इंतखाब भी करेंगे। बच्चों, अब गौर से सुनो, मैं पढ़ता हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुसट और जिद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता कुकड़ू को कुकड़ू को। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली गई तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ, यानी सूरज निकला। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले इसकी सादगी पर हंसने लगे। सादगी पर मतलब उसके भोलेपन पर। ये छोटी सी कहानी है बच्चों, एक बुढ़िया और एक मुर्गे की, है ना। मतलब यहाँ पर अब आप लोग मुझे सोचकर ये बताइए कि मुर्गे की बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। हाँ बोलो बेटा, गौर से बोलो। हाँ वेरी गुड। देखो, बुढ़िया को तो ये सोचना चाहिए, मुर्गा बांग दे या ना दे, सूरज तो निकलना ही निकलना है, ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसी के कहने से, किसी के बटन दबा देने से साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन सूरज अपने वक्त पर ही तुलू होगा और अपने वक्त पर ही गुरु होगा, ये तो कुदरत है, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है। किसी के कहने से, किसी के बांध देने से नहीं हो सकता, ये बुढ़िया को समझना चाहिए। लेकिन ये हम लोग सोचते हैं जब मुर्गा बांध देता है, खास तौर से गांव में देहातों में, तो जो लोग सोए होते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप सुबह होने वाली है, मतलब सूरज तुलू होने वाला है। सूरज तुलू होने से कुछ देर कबल पहले मुर्गा बांध देता है तो लोगों की आंखें खुलती, वो समझ जाते कि बस अब सूरज निकलने वाला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे मैं बहुत सारे नए लफ्ज लिखा हूँ, इसको गौर से देखो और सुनो। इक्तिबास, बुढ़िया, मुर्गा, बांग, सूरज, तुलू, पहाड़, कुकड़ू कू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर नीचे मैं चंद अल्फाज लिखा हूँ। हमको तखयलाती बनना है, हमको सोचना है। जिस तरह सूरज को खुर्शीद कहते हैं, इसी तरह यहाँ पर दीगर और पांच अल्फाज लिखे हैं बच्चों, इनको और क्या कहते हैं हमें लिखना है। खुर्शीद यानी सूरज, हाँ चांद को क्या कहेंगे बच्चों, महर, वेरी गुड, और कमर, शाबाश, महर, कमर। इसी तरह रात, हाँ बोलो शब, वेरी गुड, शब। बाप, फादर, हाँ हाँ, वाली, शाबाश, क्या कहेंगे, वाली। खुदा, अरे हाँ अल्लाह, रब, वेरी गुड, रब।
आसमान, इसके लिए और उर्दू में कौन सा अच्छा शब्द है? हाँ फलक, वेरी गुड फलक। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग का घर काम क्या रहेगा वो भी सुन लो। सूरज के तुलु होने का मंजर पांच सत्रों में लिखना है, पांच लाइन में लिखना है। सूरज जब सुबह तुलु होता है, निकलता है, तो जो मंजर होता है उसको अपने लफ्जों में लिखना है। मैं एक मर्तबा जबानी बता दे रहा हूँ, हर रोज सूरज तुलु होता है, सूरज के तुलु होने का के बाद का मंजर बहुत ही सुहाना होता है। चरिंद परिंद चहचहाते हैं, लोग सुबह सुबह इबादत करते हैं और लोग अपने कामों की तरफ निकल पड़ते हैं। गर्ज के जब सुबह सूरज निकलता है, उसकी किरणें जब फैलती हैं, तो बहुत ही दिलकश नजारा होता है और हमें सुबह सवेरे उठकर सुबह सूरज की जो किरणें हैं उससे फायदा उठाना चाहिए। सुबह की सूरज की पहली किरणें हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस तरह से अपने लफ्जों में बच्चों ये आप लोगों को लिखना है, क्योंकि आप लोगों को तखयुलाती बनना है। आज के ग्रीष कोर्स 19वें दिन में यही है, समझना, अच्छी से सुनना, समझना, बोलना और लिखना। ठीक है बच्चों, इसका गूगल फॉर्म भी मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ। ओके, जज़ाकअल्लाह।